देखिए, गोवा एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जरा सोचिए मजबूरी कि जो गोवा पहुंचे हैं वो भी डरते डरते उस आबो हवा में काम कर रहे हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री तमाम प्रिकॉशंस ले रही है, एक बायो बबल बनाया है, और यही वजह है कि हमारी जो मुल्की है यानी प्रियल, वो गोवा में उनके अपने नए सेट की करा रही है हम सबको सैर। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गोवा आए हैं, पूरी मुल्की की टीम गोवा आई है। सो ये मैं अंदर जाके प्रॉपरली दिखाऊंगी। ये घर है, ये हवेली है जो गोवा में है, हमारी मुखी जी की हवेली है। सो देखते हैं फिर अंदर क्या है। यहाँ पे भी यूनिट का थोड़ा सा सामान पड़ा है, बट अंदर शूटिंग हो रही है इसका। अच्छा, जैसे कि अभी लंच ब्रेक, जस्ट अभी लंच ब्रेक हुआ है, सो अभी सब खाना खा रहे हैं एंड मैं खा चुकी हूँ। हाय, सो यहाँ से हमारी एंट्री है एंड यहाँ पे कुछ हमारी टीम के लोग बैठे हैं, हेयर एंड मेकअप। खाना खा लिया? ठीक है, ये लोग अभी खाना खा रहे हैं। सो ये मतलब हॉल है, यहाँ पे अभी कुछ शूट हुआ नहीं है बेसिकली। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल हम यही सब बात कर रहे थे कि यहाँ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है एंड सो ब्यूटिफुल। अलग अलग लाइक थोड़ा विंटेज फील है इस घर में, और ज़रूर आप लोगों को अपने पुराने घर की ज़रूर याद आएगी। सो मैं आप लोगों को एक स्पेशल एंट्री देती हूँ, एक विलेन की, धूमता रहा। हाय, श्री श्रद्धा। एंड श्रद्धा, तुम क्या कहना चाहोगी, ये न्यू लोकेशन, ऑल ऑफ अ सडन न्यू घर, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और या वी आर मिसिंग मुंबई, पर गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है, बट उस चीज़ में मुंबई को मिस नहीं कर रहे, बिकॉज बॉम्बे में भी उतनी गर्मी है अभी। यहाँ पे हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सिचुएशन टफ है, और हमारे ऑर्नामेंट्स इतने हैं कि हम दोनों आई थिंक सो रिलेट कर सकते हैं। yes, और ज्वेलरी, और हम दोनों जन रोज दुल्हन बन जाते हैं और इतनी गर्मी में, पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, रियली वही हो रहा है। मुखी जी का तो लंदन में भी आपको पता नहीं, अभी हम लंदन पहुंच नहीं पाए या? तो हमने सोचा थोड़ा गोवा में यू नो शादी कर लेते हैं। सो नहीं, हम लोग एक्चुअली सिर्फ सेट पे रहते हैं और रूम्स में जाते हैं, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम सिर्फ काम के लिए आए हैं और स्प्रेड नहीं कर सकते, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मेंटेन कर रहे हैं, तो गोवा वाली फीलिंग ऑनेस्टली नहीं है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। वेकेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइक हाँ ऑब्वियसली हम सब साथ में होते हैं तो एक फैमिली जैसा ज़रूर लगता है। हम होटल में जाके भी सब बैठते हैं, डिनर पे साथ में बैठते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। अगर कुछ सीन है तो हम ज़रूर करते हैं, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड वट एवर नेसेसरी प्रिकॉशंस वी कैन टेक, सो हम वो ज़रूर लेते हैं। यहाँ पे ये फाउंटेन है जो कि अभी चल नहीं रहा है, पर हम यहाँ पे ऑलरेडी एक सीन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने तो नहीं खेला, पर हाँ ज़रूर कुछ हमारे जो क्रू के लोग हैं जिनको आता है पूल खेलना, उन्होंने ज़रूर खेला यहाँ पे, लाइक अभय सर ने खेला एंड यहाँ पे आते हैं अब। सो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गणपति जी है हमारे एंड यहाँ पे शिव जी जी है। आई थिंक सो हम जहाँ जाए ज़रूरी है कि बप्पा जी और शिव जी जी सब हमारे साथ रहे, और वो रहते हैं। सो वी हैव दिस ह्यूज 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 स्विमिंग पूल हियर, जहाँ पे हमारा सीन हो चुका है एंड कल हल्दी वल्दी का यहाँ पे सीन होगा, बहुत प्यारा। और ये हमारी पूरी हवेली है जो जिसका फ्रंट साइड है ये स्विमिंग पूल से, यहाँ पे पीछे हमारा गार्डन है और एंट्री पीछे बैक साइड से है। सो यस, अब हम देखते हैं बुद्धा जी को। मुझे इतनी
इतनी सुंदर मूर्ति लगी थी। एंड ये सेम बुद्धा जी हमारी दूसरी एक लोकेशन में भी थे, सो आई थिंक सो ये सब लोग हमारे साथ हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सो यहाँ पे भी ये पूरा गार्डन है और ये गार्डन का एक पार्ट है जिसके पीछे भी गार्डन है, बीच है, तो यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो कि आई थिंक सो बहुत पॉजिटिव वाइब है इस हवेली की, बहुत ग्रीनरी है, बहुत फ्लावर्स है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है इस पूरे पूरे बंगलों में, पूरी हवेली में। सो हाँ, हमें शूट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है बिकॉज बहुत फ्रेश, एक तो बहुत फ्रेश लग रहा है कि हाँ बॉम्बे से इधर आए हैं, बट हाँ वी ऑल आर मिसिंग आर फैमिलीज। सो प्लीज़ आप लोग भी घर रहे और सेफ रहे। ABP News, आपको रखे आगे।